आज मैं इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल मटन बनाऊंगी। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहे हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रीमा, आप सबका स्वागत करती हूँ रीमा किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन। ये रेस्टोरेंट की नई रेसिपी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 केजी मटन लिए हैं, इसे अच्छी तरह धो लिए हैं। तो सबसे पहले पैन को गरम कर लेंगे। यहाँ पर पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गरम होते ही इसमें 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसी तरह चलाते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 सेकंड भुनेंगे। इसका कच्चापन जाने तक फ्लेम को मीडियम रखे हैं। 30 सेकंड हो चुका है, अदरक लहसुन का कच्चापन जा चुका है, तो अब इसमें मटन डालेंगे। मटन को अच्छी तरह मिला लेते हैं। मटन को मिला लिए हैं, इसी तरह चलाते हुए 1 मिनट इसे इसी तरह भुनेंगे। एक मिनट मटन को भून लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे मिला लिए हैं, फ्लेम को तेज करके इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह भूनेंगे। पाँच मिनट मटन को भून लिए हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पैन को फिर से गरम कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गरम होते ही इसमें जाएगा 2 तेज पत्ता, साथ में 1 चम्मच जीरा। कुछ सेकंड जीरा तेजपत्ता को इसी तरह भुनेंगे। इसका कलर हल्का ब्राउन होने तक फ्लेम को मीडियम रखे हैं। जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 6 से 7 कटे हुए प्याज डालेंगे। इसी तरह चलाते हुए प्याज को भी हल्का ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, यहाँ पर 2 टमाटर को इस तरह से काट लिए हैं, अब इसमें डाल देंगे। टमाटर को मिला लेते हैं। टमाटर को मिला लिए हैं, 1 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए भुनेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच नमक डालना है। नमक को मिला लिए हैं, सभी को इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से गल जाने तक।
इस तरह से सभी को अच्छी तरह भूनना जरूरी है ताकि ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से आएगा। सभी कुछ अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, मसाला को अच्छी तरह मिला लिए हैं। इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे इस तरह से अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि मसाला ग्रेवी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। मसाला को अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए मटन डालेंगे। मटन को मिला लेंगे। मटन को अच्छी तरह मिला लिए हैं। 4 से 5 मिनट मटन को इसी तरह भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। इस तरह से सभी कुछ को भूनना जरूरी है ताकि मसाला का फ्लेवर मटन में अच्छी तरह से जाएगा।
अब इसमें जाएगा 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कटे हुए अदरक, मीट मसाला 2 से 3 चम्मच, सभी को मिला लिए हैं। ऐसे ही 1 मिनट सभी को पकाएंगे। अब इसे ढककर पकाएंगे। जब तक मटन अच्छी तरह से पक न जाए, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। मटन अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला को मिला लिए हैं। 1 मिनट इसे इसी तरह पकाएंगे। ये मटन तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेते हैं। धनिया पत्ती को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब गैस बंद करके इसे सर्व कर लेते हैं। ये रेस्टोरेंट स्टाइल मटन तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।